चलो मैं बताती हूँ हमने क्या पढ़ा था कि याकूब अपने बेटों को आशीर्वाद देगा। आज हम ये पढ़ेंगे। हमने अब तक क्या पढ़ा था? स्क्रीन क्लियर दिख रही है बेटा आपको? अच्छा, हमने देखा था कि याकूब जो था वो बीमार हो गया था और यूसुफ उससे मिश्री, जी मिश्री दी। भाई, ये सलीम मसीह इनके इसमें कौन है, डिवाइस में कौन बच्चे हैं? दी पता नहीं, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ जी, आपका हाथ उठा हुआ है, आप क्या नाम है बेटा, आपका एज क्या है, आपकी एज क्या है? देहरादून से है ना आप लोग? दीदी ये देहरादून से मेरे नाना है, बता दे शायद खुद जुड़ी है। दीदी एज और नेम बता दीजिए बेटा आपके। अच्छा, गलती से हो गया है क्या? आपका ये मेरे अच्छा नाना है, बोल दे अच्छा अच्छा आपके नाना जी है। ओके 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 ओके। कोई बच्चे हैं क्या उनके डिवाइस में? अच्छा अच्छा ओके, चलो कोई ठीक है ठीक है। ओके ओके चलो, हाँ शुरू करो निशा, सॉरी। तो हमने देखा था कि याकूब जो था वो बीमार हो गया था और यूसुफ उससे मिलने को आता है। जब उसके वो सुनता है कि उसके पापा बीमार हैं तो वो उससे मिलने के लिए आता है। और याकूब जो था वो यूसुफ के कितने बेटे थे? यूसुफ के दो बेटों को, एप्रैम और मनश्शे को। दीदी, दीदी हाँ बेटा बोलो, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ आनंद? चलो उनका फ्रीज हो गया, शुरू करो, कोई मिशा कोई बात नहीं। याकूब यूसुफ के बेटों को आशीर्वाद देता है, ये हमने पढ़ा था। तो हम आज देखेंगे, जैसे आपको आपके मम्मी पापा कब आशीर्वाद देते हैं सारा आप बताओ। राय का कब आशीर्वाद देते हैं आपके मम्मी पापा आपको? क्या क्या आशीर्वाद देते हैं? जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं ना कि आप अच्छे अच्छे नंबर लाओ, इस तरह से देते हैं ना? दीदी मेरे हाँ बर्थडे पे भी, हाँ आपके बर्थडे कि आप प्रभु में बढ़ते जाओ, इस तरह से। तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देना चाहते हैं। परमेश्वर के पास आशीषों का भंडार है, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है परमेश्वर के लिए पॉसिबल है ना। असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर, सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। लेकिन ऐसी कुछ बातें होती हैं जो परमेश्वर को आशीष देने से, मतलब परमेश्वर के आशीषों को हम पर आने से रोकती है। तो हम ऐसी क्या क्या गलतियां करते हैं जो परमेश्वर के आशीषों को रोकती है? जब हम परमेश्वर के करीब नहीं होंगे, परमेश्वर को जानेंगे नहीं, परमेश्वर का वचन खुशी से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे कि मम्मी बोल रही है पढ़ने के लिए तो हमें वचन पढ़ना पड़ेगा, या सिर्फ संडे को पढ़ते हैं, संडे स्कूल में पढ़ते हैं, बस संडे स्कूल का काम किया खत्म, या हम पूरे रोज डेली दिल से परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाने। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह के करीब ही नहीं आएंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष कैसे देंगे फिर? तब जब हम खुशी से पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आशीषें देते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये गुस्से में है, अपनी बस की, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, परमेश्वर की बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, अपनी मर्जी से चलना चाहते, अपनी बात, अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, इससे परमेश्वर खुश नहीं होते। तो और फिर हम प्रार्थना नहीं करते। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे ही नहीं जैसे हमें चाहिए, हमारे हमारे याद नहीं हो रहा एग्जाम में, जब हम परमेश्वर से बोलेंगे नहीं कि परमेश्वर मुझे ये याद नहीं हो रहा, मुझे मुझे बुद्धि दो, क्योंकि परमेश्वर के पास बुद्धि का भंडार है, परमेश्वर बहुत बुद्धि देगा अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे। वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हम मांगेंगे ही नहीं तो परमेश्वर हमें कैसे देंगे? तो हम प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हमें परमेश्वर की आशीषें नहीं मिलती और हम परमेश्वर को अपने जीवन में फर्स्ट प्लेस नहीं देते। बेटा वीडियो ऑन कर लो सभी, परमेश्वर को अपने जीवन में फर्स्ट प्लेस नहीं देते। हम सोचते हैं कि चलो पहले फोन चला लूं, कार्टून देख लूं, मूवी देख लूं, और या दोस्तों के साथ खेलने चला जाऊं, बाद में संडे स्कूल की क्लास में बैठ जाऊंगा, बाद में वचन पढ़ लूंगा, बाद में प्रार्थना कर लूंगी। तो हम परमेश्वर
परमेश्वर के वचन को फर्स्ट प्लेस नहीं देते और परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। तो ये सब कुछ बातें होती हैं जो परमेश्वर के आशीषों को हम पर आने से रोकती हैं और हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। तो याकूब जो था वो अपने बेटों को 12 बेटे को और जो यूसुफ के बेटे थे उनको अपने पास बुलाता है उनको बताने के लिए कि उनके साथ क्या क्या होगा। तो कितने बेटे थे रायका, आप बताओ बेटा कितने बेटे थे याकूब के? हाँ 12 बेटे। आपकी आवाज नहीं आ रही। और सारा आप बताओ सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था बेटा? स्क्रीन पे दिख रहा है, स्क्रीन पे देखो ये फर्स्ट वाला, ये रूबेन। हाँ रूबेन जो था वो सबसे बड़ा बेटा था और जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको सबसे ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए था। उनको याकूब ने बुलाया कि अंतिम दिनों में कि तुम्हारे साथ आगे जाकर फ्यूचर में जाकर क्या क्या होगा और क्या क्या परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब से प्रोमिस किया था इज़राइल उनको एक बहुत बड़ा देश देने के लिए, है ना। तो रूबेन जो था, रूबेन ने क्या किया था, अपने पापा को क्या किया था, चीट किया था, धोखा दिया था, है ना। तो इसलिए उस पर से पहलोटे का अधिकार हट गया, उसने गलत किया तो इसलिए उसको पहलोटे का मतलब फर्स्ट प्लेस नहीं मिला। और फिर जो शिमोन और लेवी थे, ये आपको दिख रहे हैं ना अगले दो बेटे शिमोन और लेवी, ये लड़ाई करने वाले बिहेवियर था इनका, ये लड़ते झगड़ते रहते थे, मतलब प्यार से नहीं रहते थे। तो इन पर से भी इनको मतलब आशीषें तो मिली पर उतनी ज्यादा नहीं मिली, कम मिली। फिर हम दूसरा देखते हैं यहूदा। यहूदा आपने यहूदा का नाम सुना था ना, याकूब के बेटे यहूदा के बारे में। तो यहूदा को भी परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। जो यीशु मसीह है वो यहूदा के गोत्र से ही आगे जाकर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो देखो यहूदा को कितनी बड़ी आशीष मिली, है ना। तो याकूब जो था वो सब बता रहा होता है उस समय कि तुम्हारे गोत्र से आगे जाकर, मतलब भविष्यवाणी क्लियर तो नहीं बताया था, लेकिन हम वचन में जब आगे पढ़ते हैं कि यहूदा के गोत्र से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो इतनी बड़ी आशीष उसको मिली थी यहूदा को। फिर हम देखते हैं अब ऐसे परमेश्वर ने सबको, रूबेन सिमोन लेवी यहूदा दान ताली, सबको कुछ ना कुछ, जो भी उनकी योग्यता थी, जो भी जिस भी चीज के वो लायक थे, जो भी उन्होंने अपने जीवन में काम किए, तो उसके अनुसार उनको आशीषें दी। और अब हम यूसुफ के बारे में हमने देखा था, है ना। तो अब हम देखेंगे यूसुफ को सबसे ज्यादा आशीष मिली। यूसुफ को तो मिली ही मिली, उसके दोनों बेटों को भी आशीष मिली। तो ऐसा क्या था कि यूसुफ को इतनी ज्यादा आशीष मिली कि उसके बेटों को भी आशीष मिली? उसको तो मिली ही मिली, उसके बेटों को भी आशीष मिली। तो हमने क्या देखा था? अच्छा आप स्क्रीन पर देखकर बताओ यहाँ से आपको क्या याद आ रहा है। सारा बेटा आप बताओ यहाँ से आपको क्या याद आ रहा है। दीदी यूसुफ को उनके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था। हाँ यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था और यूसुफ से जलन रखते थे, क्योंकि यूसुफ बहुत इंटेलिजेंट था, अपने पिता का लाडला था, तो उसे जलन रखते थे। और उसको फिर यहाँ पर क्या किया था, अनंत स्तुति सृष्टि में से कोई बताएगा स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसमें से देखकर, क्या किया था फिर उसके भाइयों ने? उसने अपने भाई को दूसरे देश में बेच दिया था। हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो अपने भाइयों की तरफ देख रहा है कि ये मतलब उसको ये बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके भाई उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो और उसको दूसरे देश के लोगों के हाथ भेज दिया जिनको वो जानता भी नहीं था, है ना। फिर रायका बताएगी अब स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। फिर याकूब क्या, लेकिन यूसुफ ने क्या किया था, उसको अपने भाइयों के साथ गलत किया था, जैसा यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ किया था। क्या क्या था यू? हाँ बेटा बोलो। वैसे रिपीट करो बेटा, जैसे यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ गलत किया, तो क्या यूसुफ ने भी इसके साथ गलत किया था अपने भाइयों के साथ? नहीं। हाँ उसने गलत नहीं किया। जब वो अकाल पड़ रहा होता है, जब वो खाने के लिए आते हैं मिस्र में, तो यूसुफ क्या करता है, उनकी हेल्प करता है और ऊपर से उन्हें माफ भी करता है,
है ना, उन्हें अपने गले से लगाता है, आंसुओं के साथ उनके साथ गले मिलता है, उनके लिए रोता है ना। तो वो कितना प्यार करता था अपने भाइयों से। उसी तरह हम यीशु मसीह को कितना दुख पहुंचाते हैं, कितना गलत काम करते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, जलन रखते हैं, अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते, लेकिन यीशु मसीह फिर भी हमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। और यहाँ पर क्या दिख रहा है अनंत स्तुति सृष्टि में से कोई बताएगा? सृष्टि बताएगी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? यूसुफ को कहाँ डाल दिया गया था बेटा? जेल में। हाँ, यूसुफ को जेल में डाल दिया गया था, और वो भी गलत इल्जाम के लिए, जो उसने गलत काम किया भी नहीं था, है ना। तो फिर क्या किया था यूसुफ ने? परमेश्वर पर विश्वास रखा था या वो परमेश्वर से शिकायत करता था कि मैं तो इतना अच्छा हूँ और मेरे साथ ये सब हो रहा है? क्या करता था वो परमेश्वर पर? उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर से वो लगातार प्रार्थना करता, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसे पता था कि परमेश्वर सब ठीक कर, जो भी करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। और यूसुफ ने हर समय परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस दिया अपनी लाइफ में, है ना। जब उसने सपनों का अर्थ बताया था फिरौन को, तो उसने क्या कहा? उसने ये बोला था क्या कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि है, ये मैं बता रहा हूं अपनी बुद्धि से सपनों का अर्थ? उसने क्या बोला था कि परमेश्वर ने मुझे ये बुद्धि दी है ना। परमेश्वर को महिमा दे रहा था वो हर बात में। और जब उसके भाई उससे बोल रहे, उसके जब उसने अपने भाइयों को माफ किया था, उसके भाई जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया था मिस्र का, तब भी वो क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर की महिमा से बनाऊं, मेरे मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ परमेश्वर करने वाला है। तो हम भी अपने जीवन में जब देखते हैं, जब हमारे अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं, जब हम फर्स्ट आते हैं क्लास में, या हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ा घर है, तो क्या हम अपने से जो कम, जो हमारे कम मार्क्स, जिनके कम मार्क्स आए हैं उनको नीचे दिखाते हैं, जो गरीब हैं क्या उनको नीचे दिखाते हैं, या उनकी हेल्प करते हैं उनके और हर बात में परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं? तो यूसुफ क्या करता था? हर बात में परमेश्वर को महिमा देता था। तो क्या करता था? उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो परमेश्वर के अनुसार चला, उसके अंदर कितना प्रेम था, उसके भाई से जलन रखते थे, लेकिन भी फिर भी वो अपने भाइयों से कितना प्यार करता था, है ना। वो ऐसे नहीं कि आपको आपके किसी दोस्त ने या आपके भाई ने मम्मी से शिकायत कर दी तो आपके अंदर जलन आ जाएगी, अरे अब इसे मैं भी बताऊंगा, मैं भी अब इसे सबक सिखाऊंगा, क्या आप ऐसा सोचते हो? या यूसुफ के भाई, उन्होंने तो उसके साथ कितना गलत किया, उसको गड्ढे में डाल दिया। आप सोच के देखो गड्ढे में कैसे डाल दिया होगा उसको, है ना। लेकिन यूसुफ क्या कर रहा है? यूसुफ उनको माफ करता है, उनकी हेल्प करता है। तो उस इसी बात से क्या हुआ, वो परमेश्वर खुश हुए इसके जीवन से, और परमेश्वर ने उसको क्या से क्या बना दिया था, क्या बन गया था वो? सारा बताएगी क्या बन गया था यूसुफ? बेटा बताओ, प्रधानमंत्री। हाँ, अब क्या बन गया था यूसुफ? प्राइम मिनिस्टर बन गया था। देखो जो जिस जब अब वो पहले कहाँ था, जेल में था, लेकिन अब फिरौन उसे खुद से अंगूठी पहना रहा है, और खुद से उसको रथ दिया, और इतने बड़े देश का उसको अधिकारी बनाया, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, है ना। पर और ये सब किसने बनाया उसको, किसने इतनी आशीष दी? परमेश्वर ने, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, परमेश्वर की बातों को माना उसने, वो अपनी मर्जी से नहीं चला, वो परमेश्वर के डर भय में चला, उसने दूसरों के हमेशा मदद की, हर बात में परमेश्वर को महिमा दी। और देखो पहले उसके भाई क्या कर रहे थे, उसको गड्ढे में डाल रहे थे, उससे चीरते थे, उससे जलन रखते थे, और अब उसके सामने ही वो झुके हुए हैं, है ना, अब उसके सामने ही झुक गए हैं, और उससे क्या मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। तो परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा बनाया। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर भी हमें बहुत आशीष देते हैं। अब देखो जो परमेश्वर ने वहां पर सबको अलग अलग, जो 12 बेटे थे और जो यूसुफ के बेटे थे, सबको अलग अलग जगह दी, है ना। ये आपको दिख रहा है ना मैप में, जब हम आगे जाकर देखते हैं तो जो परमेश्वर ने उनसे प्रॉमिस किया था वो उनको जगह मिली। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमें बोला है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तो परमेश्वर का ये प्रॉमिस सच है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना
आत्माओं को सुनते हैं, परमेश्वर हमें देते हैं। तो इस तरह से जिसको जो भी जिसके भी लायक था, जो जिसने गलत किया उससे उसको कम आशीषें मिली। यूसुफ परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, उस पर कितने दुख आए, कितनी परेशानियां आई, लेकिन वो परमेश्वर के वचन में खड़ा रहा तो उसे बहुत सारी आशीषें मिली, उसके बच्चों को भी। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमें तो आशीषें मिलती ही मिलती हैं, परमेश्वर हमसे तो खुश होते ही होते हैं, हमारी फैमिली को भी परमेश्वर आशीष देते हैं ना। और फिर याकूब की जो है मृत्यु हो जाती है, और जहां पर फिर उसको क्या, उसको मिट्टी दी जाती है ना। तो हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर जो है प्रेमी और न्यायी परमेश्वर। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो अगर हम गलत करेंगे तो परमेश्वर हमें सुधारने के लिए हमें डांटता भी है। देखो अब आप ही बताओ, आपके मम्मी पापा जब आप कांच का बर्तन उठा रहे हो या कोई कांच का गिलास टूट गया है तो आपके मम्मी पापा आपको डांटेंगे? डांटेंगे ना। क्यों डांटेंगे, क्यों डांटेंगे? माइक ओपन करके बताओ बेटा। दीदी क्योंकि कांच का गिलास टूट गया, नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान हो गया। और अगर आप कांच का गिलास उठाओगे तो आपके हाथ में क्या, चोट लग जाएगी, खून निकलेंगे, तो वो आपकी भलाई के लिए ही आपको डांटेंगे, है ना। अगर आप नहीं मानोगे हो सकता है थप्पड़ भी मारे आपको, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। वो अपनी मर्जी के लिए, उनको खुशी नहीं मिल रही, वो उनको भी दुख होता है। जैसे मैं अपनी बहन को डांटती हूँ, वो पढ़ती है तो जब डांटती हूँ तो उसके बाद दुख होता है, लेकिन हम डांट रहे ताकि वो सुधर जाए, वो गलत काम ना करे। तो उसी तरह परमेश्वर भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो परमेश्वर भी ये चाहते हैं कि हम ना बिगड़े, हम परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह पवित्र एकदम प्योर बने, है ना। इसलिए जब हम कोई गलतियां करते हैं तो परमेश्वर हमें डांटते हैं, और वो हमसे ये भी बोलते हैं कि कोई नहीं, अगर हमसे गलतियां हुई हैं, हमने झूठ बोला है, हमने अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानी, हमारे मन में किसी के लिए कोई जलन है, तो हम एकदम से परमेश्वर से माफी मांग लें। परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें माफ करूंगा, बस हमें घुटने टेक कर परमेश्वर से माफी मांगनी है ना। और जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जैसे परमेश्वर ने जिसको जो भी आशीष दी है, भाई बहुत से लोग बहुत अमीर हैं, बहुत सौ के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, और बहुत सौ के पास एक साइकिल है और छोटा सा घर है, तो ये हमें परमेश्वर से शिकायत नहीं करनी कि परमेश्वर हमें, आपने हमें इनको इतना अमीर बना दिया, हमारे पास छोटा सा ही घर है। नहीं, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे पास एक जोड़ी कपड़ा है, आपने VBS में कहानी सुनी थी ना वो, है ना, तो उसमें उनके पास क्या थी, सिर्फ एक साड़ी थी, है ना। तो फिर भी उन्होंने परमेश्वर से शिकायत नहीं की, परमेश्वर का हर बात के लिए धन्यवाद दिया। तो उसी तरह जो भी हमारे पास है, हमें हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना है और खुश रहना है। अपने दोस्तों से कोई जलन नहीं रखनी है, जो भी परमेश्वर ने दिया उसका धन्यवाद देना है। तो याद, ये आपकी याद करने की आयत है, आज सारा याद कराएगी हमको पढ़ के, हम सारा के पीछे पीछे बोलेंगे और सारा पढ़ के बताएगी, और सभी बच्चे अपने माइक ऑन करेंगे और पीछे पीछे सारा के बोलेंगे। कैसे पता लगेगा, हमें माइक भी ऑन करेंगे, वीडियो भी। बोलो पहले बच्चे, ठीक है। चलो सभी बच्चे ऑन करो अपना माइक, तो ऑन कर लो। हाँ गुड, मेरी बोलो। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा सबोपदेशक 12 का 14। एक बार बोलो बेटा फिर से। चलो स्पर्श रिपीट करेगा और उसके पीछे सब बोलेंगे फिर, है ना स्पर्श। चलो गुड स्टार्ट। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा।
राय का बेटा आप सबो बेशक 12 का 14 राय का बेटा आप पढ़ोगी एक बार लास्ट बार। हाँ राय का क्योंकि और मैं बोलती हूँ बेटा आप मेरे पीछे पीछे बोलना ठीक है मैं बोलती हूँ क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा सबोपदेशक 12 का 14 क्या देखो यहाँ पे भी लिखा है कि अगर हम ये नहीं कि हम मन में सोच रहे हैं किसी के लिए बुरा बुरा सोच रहे हैं तो परमेश्वर हमें माफ कर देगा नहीं अगर हम मन में बुरा सोचते हैं परमेश्वर हमें कब माफ करेगा जब हम परमेश्वर से माफी मांगेंगे और जिसके लिए भी हमारे मन में जलन है कुछ भी है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर हमारे साथ कोई गलत भी करता है हमारे साथ हमारा कोई दोस्त हमें चीट करता है हमारे बारे में झूठ बोलता है तो हमें उसके लिए क्या करनी है परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ठीक है। तो आपकी ये वर्कशीट है आज की यूसुफ के जीवन से कोई भी जो आपने अपने जीवन में 5 बातें सीखी जो आप अपने लाइफ में भी करना चाहते हो ताकि आप परमेश्वर को खुश करें और अपने जीवन जैसे यूसुफ ने अपने जीवन से परमेश्वर को खुश किया। तो सबसे पहले अर्पित बताएगा ऐसी 5 बातें जो यूसुफ के जीवन से सीखी। अर्पित अर्पित बेटा अनंत स्तुति सृष्टि आप बता दो बेटा आप में से कोई भी। रायका आपको क्या लगता है यूसुफ से क्या सीखने को मिला? मुझे तो बहुत कुछ सीखने लगा और मेरा तो यूसुफ बहुत फेवरेट कैरेक्टर है। क्या सीखने को मिला दीदी? दीदी आपके भाई नहीं है वो कहीं मम्मी के पास है। अच्छा 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 अभी है ये अभी आपने सुनी स्टोरी आपने सुनी बेटा? यस। अच्छा तो क्या लगा आपको? चलो कोई बात नहीं। हाँ रायका बोलना चाहती है अनंत स्तुति सृष्टि यूसुफ कैसा लगा? यूसुफ में क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको लगता है कि मुझे भी सीखनी है या मुझे भी चाहिए मेरे जीवन में? ठीक है सबसे पहले तो हमने देखा कि उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया है ना उसने उसको उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया है ना और उसके साथ बहुत बुरा किया लेकिन क्या उसने वैसा व्यवहार किया? नहीं किया ना वैसा व्यवहार उसने उसने फिर भी अपने भाइयों से बदला भी नहीं लिया। हम उसमें क्या देखते हैं? यीशु की क्वालिटी को देख पाते हैं ना हम उसमें देख पाते हैं प्रभु की फॉरगिवनेस को देख पाते हैं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगते हैं और प्रभु हमें माफ कर देता है तो उसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो फॉरगिवनेस है वो यूसुफ में है ना। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे मन में मेरा भी स्वभाव वैसा हो। ठीक है और क्या सीखते हैं सारा और क्या लगता है? रायका अनंत स्तुति सृष्टि हर बात में वो प्रभु की महिमा करता था कभी भी उसने कोई भी बात का क्रेडिट नहीं लिया ना कि हाँ ये मेरी वजह से हुआ या मैंने किया है ना बिल्कुल नहीं। उसने निशा दीदी ने बताया ना हर बात में वो कहता था अगर वो स्वप्न का अर्थ भी बता पा रहा है तो वो कहता था प्रभु की ओर से हुआ प्रभु ने कहा बताया प्रभु के द्वारा हो पाया। क्या हम कहते हैं कि ऐसे हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं? कई बार आपके हो सकता है बहुत अच्छे मार्क्स आते होंगे टॉपर हो आप क्लास के और लेकिन आप क्या कहते हो मेरे ना इतने मार्क्स आए हैं देखा कितना अच्छा है ना अपना कॉलर ऐसे ऐसे करके करते हो हाँ देखा कितने अच्छे मार्क्स आए ना मेरे कितना इंटेलिजेंट हूं मैं तुझे तो कुछ नहीं आता है तू तो नलायक है एकदम ऐसे हम कहते हैं ना लेकिन नहीं हमें ऐसे कहना है। कोई आपको कहता है आपकी बड़ाई करता है आपकी प्रशंसा करता है तो क्या कहना है
प्रभु के द्वारा हुआ है। प्रभु ने मुझे बुद्धि दी है, प्रभु ने मुझे सिखाया, अच्छे टीचर्स दिए हैं, मेरे मम्मी पापा के द्वारा प्रभु मुझे मेहनत करना सिखाता है ना। मम्मी पापा अगर आपको पढ़ाते हैं तो वो भी आपकी प्रभु की आशीष है कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाते हैं, आपके ऊपर मेहनत कर पाते हैं, है ना। तो इसी तरह से चलो मैंने मैंने ज्यादा एग्जाम्पल्स बता दिए। आप और कौन बताएगा नेक्स्ट और कौन बताएगा? सारा तो चली गया। ओके स्पर्श बताओगे आप क्या सीखा आपने यूसुफ के जीवन से और क्या लगता है कैसे आप अपने जीवन में उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे? कोई और अनंत स्तुति सृष्टि? चलो इसको सोचना है फिर, ठीक है, सोचेंगे हम लोग इसके बारे में, इस कहानी को आप समझे। और दीदी हाँ ठीक है ठीक है, निशा तुम कंटिन्यू करो। और फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अपने आप से जाकर पूछना है कि आप किसको अपनी लाइफ में फर्स्ट प्लेस देते हो, अपने आप को या फिर फोन को फर्स्ट प्लेस देते हो या परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस देते हो या अपने फ्रेंड्स को अपनी लाइफ में फर्स्ट प्लेस देते हो, ठीक है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आशीषें देते हैं और हमारी फैमिली को भी और हमारी हर एक प्रार्थना को सुनते हैं। दी छोटी सी प्रार्थना करेंगे, दी हो गया ना टाइम? हाँ हो गया है टाइम। और देखो आपको पता है परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें आशीषों के लिए बुलाया है। हम आपको अगर कभी लगेगा ये बात तो सच है कि प्रभु चाहता है हम ओबीडियंट हो, ठीक है, वो चाहता है कि वो जो कहे हम उसके अनुसार करें, जैसा वचन में लिखा हुआ है हम उसके अनुसार करें, लेकिन उससे पहले ही प्रभु ने हमें आशीष के भागीदार होने के लिए चुन लिया है। लेकिन बस हमें क्या करना है, अगर आज आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आप प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाएं। प्रभु मैं आपको अपने हृदय में बुलाना चाहता हूँ, आप मेरे दिल में आए, मेरे जीवन को बदले, मुझे नया बनाए और जैसा आपका स्वभाव है मैं भी वैसा स्वभाव चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग प्रार्थना करेंगे, जो भी आज हमने सीखा कि प्रभु अपने प्रोमिसेस को बिल्कुल भी तोड़ता नहीं है, जो वो कहता है वो करता है, ठीक है, और प्रभु विश्वास योग्य है ना, प्रभु फॉरगिविंग है और वो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अच्छी अच्छी क्वालिटीज तो है प्रभु के अंदर, और भी एक अच्छी क्वालिटी ये है ना कि वो बहुत पवित्र है, ठीक है, हम वो बिल्कुल पाप से प्यार नहीं करता है, पापी से तो प्यार करता है, हमसे तो प्यार करता है, लेकिन हमारी जो गंदी क्वालिटीज है ना उससे प्यार नहीं करता है, वो चाहता है कि वो निकल जाए कंप्लीट, तो वो चाहता है कि पाप से हम दूर रहें, पवित्र रहें, ठीक है। तो प्रभु इसलिए चाहता है कि हम उसके लहू, कोई भी गलती होती है आपको कन्विक्शन होता है आपके अंदर आता है कि ये गलत किया मैंने, उसी समय आप छोटी सी प्रार्थना कर लिया कीजिए कि प्रभु आप मेरी इस क्वालिटी को दूर करें, ठीक है, टेक अवे दी सिंफुल नेचर फ्रॉम माय हार्ट, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करेंगे, हो सकता है तो अपने वीडियोस ऑन करेंगे, ठीक है, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके सुंदर वचन के लिए, निशा के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा आप हमसे बात करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी भलाई विश्वास योग्यता के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपके वचनों के लिए, और प्रभु इन बच्चों को आपके लहू में छुपाती हूँ, इन्हें आप दया करें, बुद्धि देगी प्रभु जी, ये प्रभु आपके बुद्धि और समझ दे और आपके प्रेम और भय में बढ़े और जहाँ भी जाए आपकी महिमा का कारण हो सके, प्रार्थना करना सिखाएं। आप कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और आप दया करें कि ये आपसे मांग सके, आपसे प्रार्थना कर सके, प्रभु जी आप दया करें प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता को चख सके कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर, आपके अच्छी क्वालिटीज प्रभु आप इनके अंदर दे, हमारे अंदर दे, और प्रभु इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप पाप से नफरत करते हैं इसलिए हमें पवित्र रहना जरूरी है, और प्रभु जी आपकी और हम ताकते रहे प्रभु जी, आप ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद देती हूँ सब बातों के लिए, इस लेसन को हम भूले ना, याद रख सके, और प्रभु बच्चों की जो वर्कशीट्स हैं उसमें भी आप उनको करने में आप दया करें प्रभु, टाइमली सबमिट कर सके, मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में जो मेरा एकमात्र उद्धार करते हैं मैं मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह।
जय मसीह की दी, जय मसीह की राय का।